सुजेंद्रगण, कैसा आप सभी? थोड़ा सा वॉइस का इशू हो सकता है, बट मतलब नहीं रहेगा। आई होप सर से बड़े बेहतर और अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के बेसिकली भी हाल ही पे रिसेंट पे एग्जाम चल रहे हैं, तो सभी को मेरी तरफ से वॉन्स अगेन ऑल द बेस्ट। ओवरऑल पेपर का रिव्यू ठीक ही आ रहा है, बट मैं ये एक नेवी के रिव्यू के तौर पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। नेवी का रिव्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो मैं बता देता हूँ। नेवी की बेसिकली जो लास्ट बैच था उसका थोड़ा सा मुझे शेयर करना है, और जो कुछ अपडेट है, मतलब जो कुछ कैंडिडेट ने थोड़ी थोड़ी चीज़ें शेयर करी वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ, ओके। तो डेफिनेटली इफ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली आस्क मेरा कॉमेंट सेक्शन। एंड जो कैंडिडेट पढ़ाई छोड़ के अभी भी इस वाले उसमें बैठे हैं कि भैया कहेंगे कि आप लोगों का अलग से चांस बनेगा, तो भाई मेरे अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू रखिए। चलो तो हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, क्या कैसे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले तो क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। इंडियन नेवी का रिसेंट का जो लास्ट टाइम का रिक्रूटमेंट था, टोटल 4100 से 4200 पोस्टें थी, जिसमें से 2700 मेल कैंडिडेट और लगभग 400 फीमेल कैंडिडेट का ट्रेनिंग रिसेंट में कंप्लीट हुआ। 14 15 16 3 दिन पीओपी कंडक्ट कराया गया। एक दिन मान लो थोड़ा थोड़ा कम कम जो कैंडिडेट ऐसे होते हैं ना, डिवीजन वाइज होता है। एक डिवीज़न है, जैसे आप पढ़ेंगे नावी के बारे में तो वहाँ पे मिल जाएगा अर्जुन है, ऐसे शिवाजी है, और उसके बाद कोई है विक्रमादित्य है, अलग अलग करके डिवीज़न होते हैं। जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होता है ना उसी दिन आपको डिवीज़न मिल जाता है, ठीक है सर। वहाँ पे क्या हुआ, ये चीज़ें कैंडिडेट ने जैसे ही ज्वाइनिंग हुआ, ज्वाइनिंग कंप्लीट हुई, अभी ट्रेनिंग मतलब फाइनली 15 तारीख को पीओपी कंप्लीट हुई। इन्हें नावी ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे, ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे पिक्स भी अपलोड किए हैं। डेफिनेटली यू कैन चेक आउट देयर, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे भी आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर भी उनके स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट किए हैं, ठीक है, जो कि बेस्ट कैंडिडेट रहे हैं, सारा का सारा कुछ ऐसा ही, ठीक है। चलो तो अभी आगे क्या प्रोसेस होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट बैच में लगभग मान सकते 3000 कैंडिडेट चले गए थे, गिरफ्त से 1200 कैंडिडेट यहाँ पे का नेक्स्ट बैच में ज्वाइनिंग होना था, ठीक है। अभी उसके बाद जो लास्ट बैच के कैंडिडेट ट्रेनिंग कंप्लीट हो, उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे मतलब पैटर्न है ना सिंपल सा, कि कुछ कैंडिडेट का ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया कहीं पे अलग अलग सेंटर्स पे। हाँ साउथ सिंपल से काफ़ी सारे लड़कों का एयरफोर्स और नेवी में हो गया, तो मुझसे सिंपल सी चीज़ पूछते भैया कौन सा ज्वाइन करूँ, मैं बस ये बता देता हूँ। एयरफोर्स में आपका लद्दाख में पोस्टिंग हो सकता है और नेवी पे आपका तमिलनाडु में पोस्टिंग हो सकता है, बस इतना इतना ही रहेगा। या फिर आप नॉर्थ एंड साउथ समझ सकते हैं, बस इतना इंटरेस्ट की बात है, बाकी कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, सैलरी भी सेम ही है, ठीक है सर। फीचर्स एवरीथिंग, तो ये चीज़ें कंप्लीट है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब 50% कैंडिडेट मान लो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए चले गए हैं, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए 50% कैंडिडेट एज सेम एज मेला और सेम एज अ मेल फीमेल कैंडिडेट, ओके। सो अब जितने भी कैंडिडेट हैं आधे घर आधे ट्रेनिंग के लिए, ये लास्ट बैच अब हो गया चिल्का खाली, ठीक है। अब चिल्का पे न्यू ज्वाइनिंग होने वाली है 10 अप्रैल से, और इसमें से लगभग कितने कैंडिडेट लिए गए हैं और अगर कैंडिडेट जो हैं उनके क्या चांसेस बन सकते हैं, तो वो मैं चीज पॉसिबिलिटी बता देता हूँ फिर से एक बार। मुझे दो तीन मतलब जब कैंडिडेट कल निकले ट्रेनिंग से, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनका सेंटर से निकला, तो उन्होंने एकदम मैसेज किया कि भैया कम कैंडिडेट को बुलाया जाना है, लगभग कुछ लोगों ने बताया 1500 1600 कैंडिडेट लगभग। तो मुझे भी लगा कि लगभग 1200 से 1300 तो वेकेंट पोस्टें ही थी, बस एक चीज़ नहीं समझ में आई कि इस बार थोड़ा कम कैंडिडेट का ट्रेनिंग बोलो क्यों करा लें, बट हो सकता है कि इस बार थोड़ा कम ही कैंडिडेट का करा लें इस बार। और एक बात, ट्रेनिंग पीरियड थोड़ा सा सिंपल सी बात है, अभी अगर टेम्परेचर आप चेकआउट करेंगे उड़ीसा का, तो अच्छा खासा टेम्परेचर है, गर्मी वगैरह रहेगी, तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट तो फिर भी एडजस्ट कर ही लेता, ओके। ओवरऑल यही है, जिन कैंडिडेट का नहीं हुआ है भाई आपका एक ही चांसेस हैं कि ये तो बहुत मात्रा में कैंडिडेट आपका नेवी ना ज्वाइन करें, मतलब एयरफोर्स नेवी ना ज्वाइन करके एयरफोर्स की मेरिट आने वाली है। उसमें बहुत सारे अच्छे लड़कों का मतलब मेरे पर्सनली ग्रुप था एक जीडी का, लास्ट बैच में लास्ट टाइम मैंने बनाया, तो उसमें कम से कम 10 लड़कों का हुआ है, और वो मतलब बहुत अच्छे अच्छे नंबर उनके एयरफोर्स में, 1 के 54, 1 के 38 हैं, 1 के 46 हैं, ठीक है। तो मैं भी बोल देता हूँ कि भाई एयरफोर्स ही ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको पक्का हो जाएगा, मतलब अच्छा 22 नंबर कट ऑफ या 40 नंबर थोड़ी कट ऑफ चला जाएगा, फाइनल 2 4 5 10 नंबर बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा थोड़ी बढ़ेगा। तो इस वजह से तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नेवी ने मान लो अगर 1200 1300 वैकेंसी है और उन्होंने 1500 कैंडिडेट बुलाया है, तो बड़ी मात्रा में कैंडिडेट वहाँ पे एबसेंट हो जाते हैं, तो फिर नेवी डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट को बुला सकते हैं। बट रियली ब्रदर बताऊँ ना, तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट है उनको नेवी वहाँ पे मतलब चांस देने वाला है, ओके।
बट फिर भी अगर कोई अपडेट होगा, मतलब मैं बस ये चीज बता रहा हूँ कि 1400 से 1500 कैंडिडेट इस पर ट्रेनिंग करने वाले हैं, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे पता है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द न्यू पोस्ट, अकॉर्डिंग विच नैवी पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम ट्विटर और ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और जो थोड़ा बहुत कैंडिडेट से जानकारी मिली है उस बेसिस पे, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली आस्क मेरा कॉमेंट सेक्शन, कुछ आपके व्यू हैं कि भैया ऐसे ऐसे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मैं अगर मुझे सही लगेगा तो डेफिनेटली उस पर हम डिस्कस जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं तो बस जिन कैंडिडेट का डिस्क्वालीफाइड है उनको आगे की तैयारी करनी चाहिए, अगर वो एलिजिबल है, नहीं एलिजिबल है तो फिर आगे और कुछ भी देख लो यार, ठीक है। चलो यही था जो मुझे शेयर करना था कि लगभग वैकेंसी का ये मत सोचने लगना कि ये फेयर नहीं है या फिर ऐसा नहीं है, नवी के ऊपर डिपेंड करता है ना यार। उन्होंने तो 1300 वैकेंसी निकाली थी जिन कैंडिडेट का दो इंटेक में भी नहीं हुआ, दो बार की भर्ती में भी नहीं हुआ, मतलब कि जहाँ पे 1300 की जगह उन्होंने 4500 लगभग कैंडिडेट ले लिए फिर भी नहीं हुआ, ठीक है। चलो आई होप समझ गए होंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहे हो तो भाई मेरे ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड नथिंग टू वरी, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।